पैसा बोल देगा एक एक भाई सब्दान। अरे इधर आजा बोलिए साथ साथ। मेरे सभी भाई जल्दी से जल्दी जुड़े, आज 2 मिनट के लिए लाए आ रहे हैं हम। आज हमारा देश के लिए बहुत दुख की खबर है जो हमने आज न्यूज़ देखी, जो ये देखिए अपना जो आर्मी के जवानों का, जो हमारे विपन जी जनरल कमांडेंट हमारे विपन जी शहीद हो गए आज, और उनके साथ अन्य फौजी हमारे जो भी भाई शहीद हुए सबको हजार के ऊपर जाएगी, सबको मैं दिल से संदेश देना चाहता हूँ भाई। आज बहुत दुख की खबर है, बहुत दुख हुआ हमारे को और बहुत दुख हो रहा हमारे सब दोस्त बैठे भाई, सबको बहुत दुख हुआ आज। विपिन जी रावत और मेरे अन्य फौजी भाइयों को मैं तहे दिल से श्रद्धांजलि देता हूँ। हमारे देश के लिए बड़ी दुख की खबर है और विपिन जी रावत हमारे देश के लिए 43 वर्ष जो इस सेवा में रहे और आज हम सबको छोड़ गए, हमारी बड़ी दुख की खबर है हमको। और साथ में उनकी वाइफ भी थी और वो भी उनके साथ शहीद हो गए आज, बहुत बड़ी दुख की बात है और हमारे बहुत पछतावा हो रहा, बहुत दिल दुख रहा आज। हमारे अच्छा नहीं कर रहे कि हम आज कुछ खुशी का माहौल बिल्कुल नहीं है हमारे, बहुत भयंकर दुख की खबर है आज सुन के बहुत अजीब सा लगा। और कल हम राउतबाटा में विपन जी राउत का संजली का प्रोग्राम रखेंगे राउतबाटा में कल दिन में, और शायद हो गए बहुत दुख की बात है। कल हमारे जो विपन जी रावत और अन्य फौजी साथ थे भाई, उनके कल संजली रखेंगे उनके लिए राउतबाटा में। और आप भी भाई आज सब उन भाइयों की पोस्ट डालें और उनकी संजलि दे उनको, क्योंकि आज बहुत दुख की बात है, बहुत हमारे दुख हो रहा और सभी भाइयों के लिए आज हमारे देश के लिए बहुत बड़ी दुख की घटना हुई आज, बहुत भयंकर हमारा कोई पछतावा हो रहा। और सभी भाई आज उनकी पोस्ट लगाकर संजलि देवे उनको, और हमारे बाकी उनके साथ अन्य फौजी भाई है उनको भी आज हमारे एक भारत का ऐसा जवान और ऐसे बहादुर जवानों को खोया हमने जो बहुत भयंकर पछतावा हो रहा हमारे को आज। जैसे हमारे विपन जी रावत बिल्कुल हमारे इंडियन आर्मी के 43 साल से हमारे भारत माता को सेवा देता है, आज उनके लिए बहुत दिल दुख रहा है। हम जैसे पोस्ट देगी हमारा तो चेहरा उतर गया आज। और सभी भाइयों को जब भी कोई माकालाल शहीद होता है तो दिल दुखता है, मगर आज हमारे मेन कमांडेंट भाई साहब विपन जी रावत और भगवान उनके घर वालों को शांति दे, और उनके पत्नी भी साथ थी उनके, जैसे हमने पोस्ट देखी जैसे हमने खबर सुनी हमारा तो बहुत बड़ा दुख हुआ भाई, बहुत बुरा लगा, क्या कर सकते हैं। और जैसे हमारे विपन जी ने जैसे देश सेवा की, ऐसे हमारे बहादुर जवान हर फौजी भाई ऐसे सेवा करें देश की, क्योंकि उनके पीछे हम आराम से आज घर पे मौज कर रहे हैं बैठे हैं। आज वो अपनी इतनी ठंड बारिश धूप के अंदर जो हमारी समाज सेवा करते हैं देश की, और हमारे परिवार छोड़कर पूरा देश की सेवा करते हैं, तो भाई आज बहुत दुख हुआ हमारे। इसीलिए मैं सभी भाइयों को इसको लाइव को शेयर भी करें और सभी भाई आज उनकी फोटो लगाकर संजली दूर देवे, क्योंकि आज बहुत दुख की बात है। एक बार हम फिर से मेरे साथी फौजी भाई जो शहीद हुए हैं आज, विपिन जी रावत जो जनरल 43 वर्ष से भारत की सेवा कर रहे हैं, एक बार फिर से उनको तहे दिल से श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत माता की, जय भारत माता की। और आप सभी भाई आज उनकी जरूर हर इंस्टाग्राम पे हर फेसबुक पे उनकी पोस्ट लगाकर संतले जरूर देवे, क्योंकि आज हमारे बहादुर जवान खोए हमने आज, इसीलिए आज सब उनको याद करें और उनका परिवार को हिम्मत दिलाए। और सभी भाई कल हम राउतबाटा में उनका संजलि का प्रोग्राम रखेंगे, कल 2 बजे रखेंगे हम। और जैसे भाई आप पधारो तो जरूर पधारना राउतबाटा में, कल हमारे अन्य जो जवान शहीद हुए विपन जी राउत के साथ उनका और विपन जी राउत का संजलि का प्रोग्राम रखा हमने राउतबाटा में, और कल आप जरूर पधारे भाई और जरूर आप आके संजलि जरूर देवे उनको। माना मंदिर ग्राउंड के अंदर रखा हमने राउतबाटा में, और आप भी भाई सब जगह रखना, क्योंकि आज हमारे देश के बहादुर जवानों को खोया हमने आज, बहुत दिल दुख रहा भाई आज। हमारे मेन कमांडेंट विपन जी रावत बिल 2 बजे कल 2 बजे कल 2 बजे का टाइम है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइव करें भाई, और सब आप भी उनकी आज पोस्ट जरूर लगाना भाई, और सब
मारे जो अन्य जवान थे उनके साथ में उनको और उनकी धर्मपत्नी को सबको संतजलि देवे और उनकी पोस्ट जरूर करे आज। इसीलिए भाई आज हमारा तो बहुत दुख हो रहा है और आज बहुत दुख मैसेज हुआ कि हमारे भारत के लाल को हमने खोया और अन्य साथी जवान थे उनके साथ, उनके लिए भी उनका परिवार को तय दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आज उनके परिवार में क्या मादम मच रहा है। और हम आज देखो चैन से बैठे हैं तो इनके पीछे सब कुछ हम आराम से बैठे हैं। आज सब भारतवासियों को बड़ी दुखी खबर सुनाई आज और बहुत बेकार लगा हमारे को सुन के और दर्द भी हुआ भाई आज। और आपके भी मैं तो सब कहता हूँ भाई ऐसे ही हमारी इंडियन आर्मी से प्यार करते रहे, ऐसे ही हमारी इंडियन आर्मी को हमेशा सपोर्ट करते रहे। जैसे हमारे पुलिस प्रशासन है हमारे लिए तय दिल से काम करती है हमेशा, पुलिस प्रशासन भी हमारे लिए बहुत अच्छा काम करती है। देखो हमेशा पुलिस प्रशासन लगा रहता हमारे लिए, ऐसे हमारे देश के बॉर्डर पे हमारे फौजी भाई लगे रहते हैं और राजस्थान जैसे हमारे देश में पुलिस सेवा कर रही है और हमारे सीआई सॉप सेवा कर रही है, ये हमारा देश के लिए कर रही है हमेशा। मैं तो कहता हूँ भाई पुलिस प्रशासन का और हमारे फौजी भाई सीआई सॉप इनका सबकी वायुसेना का सबका सपोर्ट करें और हमेशा उनको लाइक करें। जहाँ भी हमारे फौजी भाई मिलते हैं तो गाड़ी रोक के 2 मिनट जरूर सल्यूट करना उनको और जरूर उनसे 2 मिनट रुक के बात करना। जैसे हमारे एक मेरा दोस्त है राजू, वो हमेशा जो ही फौजी दिखता है उससे कभी किराया नहीं लेता है, वो हमेशा उसका ऑटो फौजी समाज के लिए फ्री चलता है। जब भी हमारा देश का जवान कोई दिखता है उससे किराया भी नहीं लेता है वो। और रामगंज मंडी का मेरा राजू दोस्त है, वो ऐसे ही मतलब फौजियों के लिए सेवा करता है हमेशा, जहाँ से कोई पहले डर फौजी दिखेगा उसको छोड़ने के लिए किराया नहीं लेता है। तो बहुत बहुत खुशी की बात है ऐसा भाई मेरा बहादुर है आज, जो आज उनका खुद का ऑटो चला के पेट्रोल डीजल वाड़ के वो देश की सेवा कर रहा है आज यहाँ बैठ के भी। कोई बात नहीं नौकरी नहीं है तो आज सेवा तो कर रहा ना वो। ऐसे सभी हमारे जो भाई है जो हमारे भारतवासी है सब उनको जब भी हमारे फौजी भाई मिले 2 मिनट गाड़ी रोक के सल्यूट जरूर करना है उनको हमेशा। हम तो जहाँ फौजी भाई मिलते हैं उनसे रुकते हैं बात भी करते हैं, 2 मिनट बात करने में क्या उनका दिल बहुत बड़ा हो जाता है कि अपना देश हमसे कितना प्यार करता है। और हमेशा सपोर्ट करें हमारे पुलिस प्रशासन का और हमारे इंडियन आर्मी का, सीआईएसएफ का, वायुसेना का, सभी का सपोर्ट करे भाई और हमेशा ऐसे ही इनका सपोर्ट करते रहे। आज हमारे लिए बहुत बड़ी दुख की खबर है सुन के जो हमने आज बहुत पछतावाया, इसीलिए हम लाइव आगे बैठे थे घर पे दोस्तों के साथ। तो भाई हम सभी आज इसीलिए बैठ के उनको याद किया और आप भी याद करो और आप भी हमेशा भाई जरूर हमारे इंडियन आर्मी का कोई भी फौजी जवान मिल जावे उनके साथ 2 मिनट रुक के बात जरूर करना और जरूर उनसे मिल के सल्यूट करना, क्योंकि आज वो है जब आज अपन सुरक्षित बैठे, पूरा भारतवासी सुरक्षित बैठे हैं। और अपन आज देखो अपन तो घर पे भी बच्चों के साथ बैठ रहे हैं, उनको परिवार के छोड़ के आज कहाँ कहाँ अपने जवान नौकरी कर रहे हैं, कहाँ कहाँ ड्यूटी निभा रहे, कैसी पहाड़ियों में बरसात में ठंड में कितनी बर्फबारी पड़ रही है, अब फिर भी आज वो देश की सेवा कर रहे हैं। तो सभी हिंदुस्तानी फौजियों भाइयों को दिल से सल्यूट करता हूँ मैं और हमारे सबको जय हिंद बोलता हूँ फौजी भाइयों को और आर्मी के अपने जो सीआई सब कमांडेंट को सबको, सीआई सब को और हमारे पुलिस प्रशासन को। आज कल सब 2 बजे रखेंगे हम प्रोग्राम संतजलि देने का राउत भाटा में, विपन जी और उनके अन्य साथी जवान थे उनके कल रखेंगे और आप भी भाई। इसीलिए मैं सभी भाइयों को जय हिंद बोलना चाहता हूँ, जय हिंद भाई सभी को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सबको हमारे सभी भाइयों को याद करके कल और संतजलि देवे विपन जी रावत और उनकी धर्म पत्नी को और अन्य फौजी उनके साथ जो शहीद हुए। जय बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।